आरोग्य जागृति। मैं डॉक्टर फारूक पटेल राहत हॉस्पिटल औरंगाबाद से हूँ। हमारा कोविड केयर सेंटर है और तकरीबन पिछले 6 महीने से हम लोग चला रहे हैं। हमारे इसके अंदर हम लोगों ने सेंटर लूट गया है और जो सेटल पेशेंट है माइल्ड सिम्टोमेटिक है उन्हीं के हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास अभी 8 बेड हैं, उसमें से 6 ऑक्यूपाइड हैं और 2 जो है तो हम लोगों ने इमरजेंसी के लिए रिजर्व करके रखे हैं। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी का जो कोविड है ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। आप सब लोग जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और कोई भी अगर तकलीफ हो तो तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर को बताएं ताकि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर ट्रीटमेंट होकर पेशेंट ठीक हो। हो क्या रहा है कि लोग जो है तो बहुत देर तक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और जब पेशेंट का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है उसी वक्त हॉस्पिटल में जा रहे तो उस वक्त क्या होता है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने की बहुत परेशानी होती है कि तब तक कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते हैं, उसके मल्टी सिस्टम ऑर्गन जो है तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट को रिस्पांस मिलने में बहुत देर होता है। तो मैं सबसे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको तकलीफ हो आपके नज़दीकी डॉक्टर को जाके बताए और तुरंत उसका ट्रीटमेंट ले। सर अपने पास अभी कोविड पेशेंट जो सिम्प्टोमेटिक बोले अपने प्राइमरी स्टेज के बोले हैं तो ऐसे पेशेंट के लिए अगर उपचार टाइम पे मिलता है तो कितने हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं? 90% तक ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर मिल जाती है तो। बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है सर कि अभी कोविड है ही नहीं है, तो इसके बारे में क्या संदेश देंगे? नहीं, कोविड तो है ही, ये तो प्रैक्टिकल है, हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि पहले जो निमोनिया होता था वो अलग निमोनिया रहता था और ये कोविड का जो निमोनिया है ये अलग निमोनिया है, ये बहुत डेंजर किस्म का निमोनिया है। अगर कोविड नहीं होता तो फिर ये जो निमोनिया है ये पहले भी होना चाहिए था, लेकिन ये पहले निमोनिया नहीं था, ये अभी है और इसके अंदर जितनी पब्लिक अफेक्ट हो रही है इतना पहले तो नहीं था। इसका मतलब ये कोरोना है और बहुत डेंजर तरीके का है, तो सबों ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर आपके पास एमडी डॉक्टर्स कितने हैं और स्टाफ कैसा है और ये पेशेंट में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हमारे पास टोटल हम लोग 3 डॉक्टर हैं जो हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं। मैं हूँ, डॉक्टर समीर खान है, डॉक्टर खालिद साहब हैं और हमारा स्टाफ है तकरीबन 12 लोगों का। हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं और हम लोग माइल्ड केसेस ही एडमिट करते हैं, मॉडरेट या सीवियर केसेस हम लोग एडमिट नहीं करते क्योंकि उसके लिए वेंटिलेटर की वगैरह ज़रूरत पड़ती है तो एंड टाइम पे पेशेंट को परेशानी होती है। फिर क्रिटिकल पेशेंट होने के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे टाइम में आप किधर से? हम लोग GMC का ही उनको पहले ऑप्शन देते हैं, अगर वहाँ पे भी नहीं है तो फिर MGM का ऑप्शन देते हैं या फिर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप बेड सर्च करो और उसी हिसाब से हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। सर अभी कोविड पेशेंट ने कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या घर वालों को भी ना फैले, इसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए? सर्दी खांसी बुखार अगर हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए या घर में किसी को सिम्टम हो तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ऐसा कुछ हो तो जांच कर लेना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सादी से अगर गोली हम लोगों ने ले जैसे पैरासीटामॉल हो गई या फिर एंटीबायोटिक हो गए या हाइड्रेशन मेंटेन करें तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता है, ठीक हो जाता है उसके। कोविड पेशेंट के लिए टेस्ट कौन से होते हैं, लोग टेस्ट करने के लिए डर रहे हैं तो टेस्ट कैसी होती है और काफ़ी लोगों को तो मालूम है लेकिन पहले तो RT-PCR एक ही टेस्ट है, उसके बाद में गवर्नमेंट ने एंटीजन भी लाई और अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो CT स्कैन के ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उसका रेट भी कम कर दिया है, पहले से कम लग रहा है तो उसके अंदर हमको क्लियरली उसका और समझ में आ जाता है। टोटल 25 स्कोर होता है और उसके अंदर से जैसा उसको जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना हम लोग सीवियरिटी समझते हैं उस पेशेंट की। समझो 10 के अगर अंदर है तो पेशेंट ठीक होने के चांसेस 99% रहते हैं, अगर 10 से 15 के बीच में है तो पेशेंट मॉडरेट होता है और उसके ऊपर आ गए तो सीवियर में जाता है वो पेशेंट, उसको वेंटिलेटर लगता है। सर जैसा भी राहत हॉस्पिटल जब पहले से सोशल काम में ज़्यादा आगे है, अभी काउंसिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है तो काउंसिलिंग के लिए आप क्या करते? हम लोग जो पेशेंट असिम्टोमेटिक है या थोड़ी सी अगर तकलीफ है तो उनको समझाते हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, उनका काउंसलिंग करते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ी भी तो उनका टेस्ट भी करवा लेते हैं और अगर पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो हम उनको होम आइसोलेशन का ऑप्शन देके घर पे ही ठीक कर देते हैं।
आरोग्य जागृति।